स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो CGPET में मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर में आए हुए हैं वो बताने जा रही हूँ। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि हम जानते हैं एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है, जिसमें इक्वेट करने से ये होता है प्लस ये, मल्टीप्लीकेशन ये, डिविजन ये। ठीक है, अब यहाँ पे आई का बहुत बड़ा रोल है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। फिर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे कुछ कंडीशंस है, ये रहा। फिर मॉडलाज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड, इसको हम मॉड कहते हैं, तो ये हमारा ये होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़ कुछ दी हुई है जिसे आप पढ़ सकते हैं। फिर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसे आप याद रखें। फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखें। फिर उसके बाद ये डी मॉर्विस थ्योरम। फिर इंपॉर्टेंट रिजल्ट कुछ दिया हुआ है। फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सब आप जानते होंगे। लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर यहाँ यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं मैंने, उसे आप पढ़ें और उसे याद रखें क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये रहे मेरे 9 पॉइंट्स। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करूँगी। ये मेरे 9 पॉइंट्स। ठीक है, अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पहले u इज़ इक्वल्स टू आई इंटू ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस जे। ठीक है क्या, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। जब मैं सॉल्व करूँगी तो क्या होगा, मेरा आई इंटू माइनस वाई के प्लस जेड जे प्लस जे एक्स के माइनस जेड आई प्लस के एक्स माइनस एक्स जे प्लस वाई आई। ठीक है, इसको और पूरा सॉल्व करूँगी तो ये बराबर क्या हो जाएगा, मेरा 2a, जिसमें a की वैल्यू मेरी क्या है, मतलब मैं ये पूरे को सॉल्व करूँगी तो मेरी वैल्यू 2xi प्लस yj प्लस z के आएगी। तो इसको मैं बोल सकती हूँ ये मेरी पूरी वैल्यू 2a के बराबर है। ठीक है, ये रहा 2a। ठीक है, हम a हम किसको बोल रहे हैं, a हम जानते हैं क्या, a को हम मान रहे हैं xi प्लस yj प्लस z के, इस वजह से हमारी वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, अब मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे को यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और हम ये जानते हैं ए बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, तो हम यहाँ पे ए इसको मान रहे हैं पहले वाले टर्म को और बी को, बी जो है हम उसे सेकंड टर्म को मान रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ से मेरे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इज़ इक्वल्स टू माइनस टू, तो इससे मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, जो CGPET 2018 में आया था, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं क्या कि ये हमारा होता है मॉड। ठीक है, अब इसे हम खोलेंगे। जैसे हम इसे खोलेंगे तो हम इसे लिख पा रहे हैं। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, जहाँ पर थीटा की वैल्यू हम ये जानते हैं कि ये होती है। ठीक है, जेड टू। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ए आर जी अपॉन जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर ए आर जी जेड वन माइनस ए आर जी जेड टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो वो हो गया ज़ीरो हमारा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसे और मॉडिफाई करने के बाद ये हम लिख सकते हैं, जो हमारा बराबर हो गया किसके, इसके बराबर हो गया हमारा वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख पाएंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल्स टू मॉड मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू मॉड ऑफ मॉड। ठीक है, ये हमारा कोई आंसर दिया हुआ है क्या, ऐसा कुछ यहाँ दिया है बी में। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन आ गया। अब मेरा ये क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है और हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वन प्लस आई अपॉन
आपका स्क्वायर अपॉन वन माइनस आई लिखा है, तो हम इसको पूरा खोल देंगे, ए प्लस बी का जो स्क्वायर है, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। जब हम रैशनलाइज करेंगे और इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारी वैल्यू क्या होगी, आई माइनस वन आएगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस आई। और ये किसके बराबर होता है, हमारा रूट टू आई थ्री आई पाई बाय फोर। मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप लोग ये जानते हैं, ठीक है। अब अगर आप नहीं जानते हैं तो भी मैं इसे बताती हूँ, ठीक है। अब रूट टू ई थ्री आई पाई बाय फोर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू कॉस थ्री पाई बाय फोर प्लस आई साइन थ्री पाई बाय फोर, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये आता है ऐसा, प्लस आई वन बाय रूट टू, जिसको हम और पूरा सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू यही आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन इससे क्या आ रहा है, मेरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया हुआ है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है सी जी पी टी 2017 में। तो हम ये जानते हैं क्या, टेन अल्फ़ा क्या होता है, बी बाय ए होता है, ठीक है, मॉड ऑफ बी बाय, ठीक है। तो रूट थ्री बाय वन लिखने से रूट थ्री आएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री अगर मैं लिखती हूँ तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है, पाई बाय थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ठीक है, अब यहाँ पे हम मान सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा, ये हम जानते हैं कि हम टिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, तो पाई इज इक्वल्स टू पाई बाय थ्री होगा, तो थीटा की वैल्यू टू पाई बाय थ्री हो जाएगी, तो इससे हम क्या बोलेंगे कि हमारा 120 डिग्री आंसर आ रहा है, ठीक है क्या। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सी जी पी टी 2016 में आया हुआ है, जिसमें हमें यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू दी है, तो मैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू को निकालूंगी तो पूरा सॉल्व करने पे मेरी वैल्यू यहाँ पे ये आएगी, ठीक है। अब मैं इसका मॉड निकालूंगी, ए प्लस बी प्लस सी का मॉड, तो मॉड हम जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट ऑफ टी टू स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, फोर प्लस जीरो प्लस वन, तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, रूट फाइव, रूट फाइव बराबर क्या होगा, 2.236, और इसको अप्रॉक्स में ले सकती हूँ 3, तो मेरा ऑप्शन क्या आ रहा है, आंसर नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा आ रहा है। अब मेरा ये जो क्वेश्चन है ये कब आया हुआ है, मेरा क्वेश्चन सी जी पी टी 2015 में आया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे मेरा लिखा है जेड इज इक्वल्स टू आई लॉक टू माइनस रूट थ्री है, ठीक है। अब मैं बोथ साइड कॉस लगाऊंगी तो मेरा यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग टू माइनस रूट थ्री आई। अब मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ लॉग टू माइनस रूट थ्री आई, क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ आई एक्स होता है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, ठीक है। अब जो ये पार्ट है इसको मैं एक्सपोनेंशियल के टर्म पे लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाय टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा x क्या है, log ऑफ 2 माइनस रूट थ्री प्लस e माइनस ऑफ log ऑफ 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में 2, ठीक है। तो इसको मैं और अगर फर्दर मॉडिफाई करूँगी तो मेरा क्या होगा, e log 2 माइनस रूट थ्री प्लस e log माइनस ऑफ 2 माइनस रूट थ्री, माइनस नहीं आएगा क्योंकि वो नीचे चली गई वैल्यू, इसलिए ये आया अपॉन में 2, ठीक है। तो ये मेरा कोई ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, नहीं, अभी हम इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये और सॉल्व होगा। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ई और लॉग जब रहता है तो कट जाता है, पता है ना, तो अब इसमें हम लिख सकते हैं 2 माइनस रूट थ्री प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रूट थ्री बाय 2, ठीक है। इसको फर्दर हम और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 1 2 माइनस रूट थ्री, ठीक है। उसके बाद और हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रूट थ्री। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 माइनस 4 रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री। अब मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, 4 2 माइनस रूट थ्री 2 माइनस रूट थ्री इक्वल टू 2, तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये मेरा ऑप्शन आ रहा है डी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा,
मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे के वीडियो के लिए। थैंक यू।